हेलो गाइस, सो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में बालवीर सीजन 4 की ऑनलाइन टीआरपी के बारे में। बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बालवीर सीजन 4 अब कोई टीवी शो नहीं रहा जिसकी कोई ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन टीआरपी भी आए। टीआरपी का मतलब होता है गाइस टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, बट ये शो तो अब टेलीविजन पर आ ही नहीं रहा। एंड जिस हिसाब से अब की बार बालवीर सीजन 4 को लॉन्च किया गया है वो किसी शो की तरह नहीं बल्कि वह एक सीरीज की तरह दर्शकों के सामने पेश किया गया है लिमिटेड टाइम के लिए, क्योंकि इस सीजन के जो एपिसोड है वो है। तो ऐसे में अब इसकी टीआरपी नहीं बल्कि व्यूज काउंटिंग के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि इसका नेक्स्ट सीजन लाना है या नहीं। जानकारी के लिए बता दें, इस शो ने अपने फर्स्ट वीक में सोनी लिव पर टोटल 24 लाख प्लस व्यूज हासिल किए हैं। एंड ये सीरीज इंडिया में इस हफ्ते की चौथी सबसे ज्यादा बार देखी जाने वाली ओटीटी सीरीज बनी है। वही 6 मई टू 13 मई के बीच सबसे ज्यादा बार देखी जाने वाली वेब सीरीज अथवा शोज में बालवीर 4 ने सोनी लिव पर दूसरा स्थान हासिल किया है, जो कि इस शो के लिए काफी अच्छा है। कई बालवीर फैंस इस शो को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। वही कुछ लोग इस शो को पिछली बार की तरह इस बार भी पायरेसी करके YouTube या फिर क्रोम ब्राउजर से देख रहे हैं। तो भाई ये बहुत गलत बात है। शायद इन लोगों की वजह से ये शो अपने पहले हफ्ते में भी सोनी लिव पर टॉप 1 पर नहीं आ पाया। इस शो को सोनी लिव पर लगातार टॉप 1 पर बने रहने के लिए अप्रोक्स 25 लाख व्यूज क्रॉस करने होंगे। अगर ऐसा होता है तो बॉलीवुड फैंस को सीजन 5 के लिए कोई ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसलिए प्लीज गाइस, इस शो को ज्यादा से ज्यादा लोग सिर्फ सोनी लिव ऐप पर सब्सक्रिप्शन के थ्रू ही देखें। बाकी गाइस, जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।